हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर नंबर 14, द स्टोरी ऑफ फूट। सबसे पहले हमें यहाँ पर दिखाए गए हैं कुछ पिक्चर, ठीक है। वेनुस फैमिली और रानीज फैमिली, दो परिवार दिखाए गए हैं, वेनुस का परिवार और रानी का परिवार, ठीक है। पहले वेनुस के परिवार को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है वेनुस की मम्मी जो खाना बना रही हैं, कुकिंग फूड्स, और उनके पापा जो हैं झाड़ू लगा रहे हैं। यहाँ पर सभी लोग साथ एक साथ मिलके खाना खा रहे हैं, और यहाँ पर जो है शाम के टाइम पर वेनुस के पापा और मम्मी दोनों अखबार पढ़ रहे हैं, और वेनुस जो है साइकिल चला रही है। दूसरी ओर रानी के परिवार में रानी की मम्मी अकेली खाना बना रही हैं, उनकी हेल्प कोई नहीं कर रहा है। और सेकेंड में रानी अपने पापा और शायद भैया को जो है खाना खिला रहे हैं, और शाम के टाइम पर यहाँ पर रानी के पापा अखबार पढ़ रहे हैं, और रानी की मम्मी कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन अबव, व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग इन बोथ द फैमिलीज। हमने देख लिया कि कौन कौन से कार्य कर रहे हैं। इज योर फैमिली लाइक एनी वन ऑफ दीज फैमिलीज, क्या आपके परिवार भी इसी तरीके से कार्य करते हैं, एक साथ मिलके काम करते हैं, हर कार्य को जो है मिलके करते हैं, या जो लेडीज का काम होता है उसको लेडीज ही करते हैं, जेंट्स का काम जेंट्स ही करता है, इस तरीके का होता है, या मिलके काम करते हैं। इन दोनों परिवार में से आपका परिवार किस तरीके का है वो आप देख सकते हैं। इफ़ नॉट, लेट अस टॉक अबाउट योर फैमिली। डू ऑल द पीपल इन योर फैमिली ईट टुगेदर, क्या आपके परिवार में सभी लोग एक साथ खाते हैं या नहीं। शायद एक साथ खाते हैं, या जेंट्स लोग जो है पहले खाते हैं और लेडीज बाद में खाते हैं। हु ईट्स लास्ट इन द फैमिली, जहाँ पर जेंट्स पहले खाते हैं लेडीज वहाँ पर बाद में खाते हैं शायद। हु डज नॉट हेल्प इन कुकिंग फूड इन फैमिली एंड व्हाई, आपके परिवार में जो है खाना बनाने में कौन सहायता नहीं करता है और क्यों। शायद पापा लोग नहीं करते हैं या भाई लोग नहीं करते हैं, तो वो अपने काम पर बिजी रहते हैं, जैसे ऑफिस का काम है या भाई का होमवर्क है, इस तरीके से काम में बिजी रह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इन द टेबल सम ऑफ वर्क डन इन द हाउस हैज़ बीन मेंशन, फाइंड आउट हु डज देम इन योर हाउस एंड हु डज देम इन योर फैमिली, सॉरी योर फ्रेंड्स हाउस। नीचे कुछ वर्क दिए गए हैं, आपके परिवार में इस वर्क को कौन करता है आपको राइट करना है, और आपके दोस्त के परिवार में उस कार्य को कौन करता है उसको भी राइट करना है। कुकिंग फूड्स, खाना कौन बनाता है आपके परिवार में, मदर्स बनाते हैं या मम्मी पापा दोनों मिलके बनाते हैं या भाई बहन बनाते हैं, कौन बनाता है आपको राइट करना है, ठीक है। बाइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से वस्तुओं को लाने के लिए कोई भी वस्तु लाते हैं, सब्जी लाते हैं या कोई और चीज़ लाते हैं, तो उसको कौन लाता है, पापा लाते हैं या मम्मी या पापा दोनों लाते हैं। स्वीपिंग, झाड़ू पोछा कौन करता है आपके घर में, उसको राइट करना है। और क्लीनिंग द यूटेंसिल, बर्तनों को साफ सफाई कौन करता है, और फिलिंग वाटर, पानी भरने का काम कौन करता है उसको भी राइट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, वेयर डज व्हाट वी ईट कम फ्रॉम, जो हमारा हम खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है। यहाँ पर कुछ लिस्ट दी है, द नेम ऑफ सम फूड्स आइटम आर गिवन बिलो, एड सम मोर नेम्स टू लिस्ट, ड्रॉ ग्रीन सर्कल अराउंड दोज आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड ड्रॉ रेड सर्कल्स दोज आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। ग्रीन सर्कल करना है आपको, जिन्हें हम जो है प्लांट से प्राप्त करते हैं, और रेड सर्कल करना है जिनको हम किन से प्राप्त करते हैं, एनिमल से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है जो हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं उनको सर्कल कर लेता हूँ,
ठीक है। जैसे हनी है, हनी किससे प्राप्त होता है, मधुमक्खियों से, ठीक है। और एग है, एग भी जो है एनिमल से प्राप्त होता है। दूसरा मिल्क, और इसके अलावा मीट और फिश, ये चीज़ें हमें किससे प्राप्त होते हैं, एनिमल से। जैसे बनाना है, अजवाइन है, लेमन है, टर्मेरिक है, स्पेनिच है, और इसके अलावा टमाटो, ओनियन, ये सारी चीज़ें जो है हमें प्लांट से प्राप्त होती हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन यू आर सिक डू यू टेक एनी मेडिसिन विच गेट फ्रॉम प्लांट्स। जब आप बीमार होते हैं या सिक बीमार पड़ते हैं तो कुछ मेडिसिन जो है आप प्लांट से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर कुछ दिया गया है, तो आप कौन कौन से प्लांट्स यूज करते हैं, गेट हर्ट, जब आपको कोई दर्द होता है, बुखार आता है, दर्द होने पर आप कौन सी किसका प्रयोग करते हैं, किस प्लांट्स का प्रयोग करते हैं। जैसे टर्मरिक विथ मिल्क, मिल्क में जो है हम हल्दी को मिला के पीते हैं तो दर्द ठीक होता है, ठीक है। हैव अ स्टोमच, यदि आपको पेट में कोई तकलीफ हो तो उसके लिए क्या करते हैं आप, हींग का प्रयोग करते हैं या अजवाइन सीड्स का प्रयोग करते हैं, पानी के साथ, गर्म पानी के साथ अजवाइन खाते हैं ना। और नेक्स्ट है हमारा, हैव कफ एंड कोल्ड, यदि आपको कफ खांसी हो रही हो, जाड़ा लग रहा हो, तो उसके लिए तुलसी लीव्स विथ जिंजर एंड हनी, हम जो है तुलसी के पत्तों को चाय में डाल के पीते हैं, और इसके अलावा जिंजर और खांसी होने पर हम हनी का प्रयोग भी करते हैं, ठीक है। यदि आपके दांत में दर्द हो तो उसके लिए क्या करते हैं हम, लौंग के तेल का प्रयोग करते हैं, है ना। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट बास्केट फॉर ईच आइटम्स, ड्रॉ लाइन टू मैच। अब यहाँ पर हमें कुछ खाने के आइटम दिए गए हैं, ठीक है। अब हम उनमें से जैसे फ्लावर है, कुछ फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं, और एनी अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, तो हम ऐसे कौन सी चीज़ों के फ्लावर्स खाते हैं, जैसे फ्लावर ऑफ कचनार, जैसे फ्लावर्स ऑफ कचनार फ्लावर में आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जैसे फ्रूट है, फ्रूट में आ जाएगा आपका बनानाज, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंच बीन भी फ्रूट में आ जाएगा, मैंगो, मैंगो फ्रूट्स में आएगा, और ग्राम भी फ्रूट्स में आ जाएगा, और इसके अलावा आंवला, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब हम किन चीज़ों के पत्ते खाते हैं, लीव्स खाते हैं, ठीक है। जैसे करी लीव्स, और जैक फ्रूट, ये फ्रूट में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कॉलीफ्लावर के भी हम पत्ते खाते हैं, है ना। पटैटो अदर पार्ट हो गया, स्टीम खाते हैं हम इसकी, ठीक है। और इसके अलावा क्या है हमारा, यहाँ पर कैरेट है, जैसे गाजर भी अदर पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। जिंजर भी अदर पार्ट में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये मैच करना है, ठीक है बच्चों। इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि आप समझे होंगे। थैंक यू।